हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। सो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे एवरी डे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैम कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली का पेपर कब होगा, कैसे होगा और होगा भी कि नहीं होगा। तो ये आंसर ढूंढने के लिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को और अपनी मीडिया टीम को एक साथ मिलके की आर्ट एंड डिजाइन से कॉलेज ऑफ आर्ट का के लिए रवाना किया। कैसे वो लोग क्या करके आते हो, किस क्या इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, चलिए देखते हैं। आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू की आर्ट एंड डिजाइन यूट्यूब चैनल। वी आर इन फ्रंट ऑफ की आर्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट राइट नाउ एंड वी आर गोइंग टू विजिट द दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। स्टूडियो से निकले हैं जो जीके 2 में है हमारा की आर्ट एंड डिजाइन। हम वहां से जा रहे हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स लगने चाहिए। कॉलेज ऑफ आर्ट आने वाला है, ये वाला कॉलेज ऑफ आर्ट। इस साइड हाई कोर्ट है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट है एंड कॉलेज ऑफ आर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कॉलेजेस क्योंकि इस ये पूरा लाइक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सराउंडेड है। तो और हमारे पीछे भी कॉलेज ऑफ आर्ट है और हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर एंट्रेंस में जाके हम फिर देखते हैं, गार्ड से एग्जाम्स के बारे में पूछते हैं। ड्यू टू कोविड रीजंस हमें कॉलेज ऑफ आर्ट के अंदर एंटर नहीं करने दिया, बट सिक्योरिटी गार्ड से जितनी बात हुई है उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे इस बार, ऑफलाइन होने नहीं वाले क्योंकि लास्ट ईयर भी ऑनलाइन ही हुए थे और 10-15 दिन में लाइक नोटिस आ सकता है कि एग्जाम्स होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन होंगे, बट उनके हिसाब से मोस्ट होंगे ऑनलाइन ही होने वाले हैं। इन लोगों ने यही पता किया कॉलेज में जाके, ऑफ कोर्स अंदर घुसने नहीं दिया क्योंकि कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 10-15 दिन में फॉर्म कॉलेज ऑफ आर्ट का मोस्ट प्रॉब्ली निकल जाएगा और कॉलेज ऑफ आर्ट का जो एग्जाम है वो बेसिकली लास्ट ईयर के तरह ही ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें आपके थियरी पेपर आएगा और मोस्ट प्रॉब्ली एंड ऑफ सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं उनके लिए यहाँ पर तिलक ब्रिज बस स्टेशन है और उसके बीच में मल्टी हाउस मेट्रो स्टेशन है। हम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से आसपास के मार्केट जा रहे हैं ये देखने के लिए कि कहाँ पर खाना अच्छा होता है क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि कॉलेज कैंपस के बाहर फूड स्पॉट्स कहाँ हैं। तो जो तिलक ब्रिज का बस स्टैंड दिखाया आपको, वहाँ से लेफ्ट लेके सीधा सीधा मंडी हाउस आ जाता है। मंडी हाउस स्केचिंग स्पॉट भी है बहुत स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज ऑफ आर्ट में है। ये मंडी हाउस है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको थियोरी के लिए प्रॉपरली पढ़ना और थियोरी के लिए आप प्रिपेयर करो। तो थियोरी अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप एक बहुत इजी थिंग है कि आप मेरा एक बुक है अमेजोन में मिलता है वो आप ऑर्डर कर सकते हो और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जो आप बुक ऑर्डर कर सकते हो। और जो बुक अमेजोन में अवेलेबल है वो इंग्लिश में है पर इसका एक हिंदी वर्जन भी हमारे पास है। तो उसके लिए जो भी स्टूडेंट है जो हिंदी में एग्जाम देगा और हिंदी बुक चाहिए उसे, तो वो मेरे को खुद डायरेक्टली इस नंबर जो मेरे नीचे लिखे हुए नंबर है उसमें व्हाट्सअप कीजिए। और जो भी दिल्ली अराउंड में रहता है तो वो हमारे सेंटर जीके 2 में आके भी बुक ले सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट बुक लेना आना आ रहा है और इन्फॉर्म जरूर कीजिए क्योंकि उसके पहले हमारे पास अवेलेबिलिटी देख लीजिएगा कि भाई हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। बिकॉज सेंटर आपने इस पूरे उसमें देख ही लिया है, हम जीके 2 में हमारा सेंटर है तो आप सेंटर में आके देखिए जो भी दिल्ली में है। सो आप सेंटर में आके देखिए, अगर आप सेंटर में आके देखते हैं तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिलेगा। ना घूमने के बाद हम बंगाली मार्केट में आए हैं जो कॉलेज के पास ही है, मंडी हाउस के थोड़ा आगे, और यहाँ पर खाने की बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं। तो अगर आपको खाने की रिव्यू चाहिए यहाँ की तो आप हमारी दूसरी चैनल जो खाना अनजाना है उसमें जाके आप रिव्यूज देख सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला वीडियो सारे जो भी कॉलेज ऑफ आर्ट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जिसको भी ये वीडियो पसंद आए वो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जो फर्स्ट टाइम ये हमारे चैनल BFA फॉर की आर्ट एंड डिज़ाइन में आया है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो और एंड ऑफकोर्स जिनको भी मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन लेना वो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें। सो
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फॉर टुडे।